Hello viewers, I'm Shalini Bindra and I follow Ricky Chadha Astro Healer on YouTube. Thank you. Hello dosto. 2021 साल जो है उसका आखिरी महीना दिसंबर का बस दो चार दिनों की दूरी पे ही है। यानी कि अगर मैं दिसंबर की बात करूं कि दिसंबर के महीने में हमारे लिए क्या हम क्या देख पा रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें यह समझना है कि दिसंबर के महीने में ऐसी क्या चीजें होने जा रही है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भिन्न भिन्न लग्न पे और भिन्न भिन्न राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने गोचर हैं जो हम दिसंबर के महीने में देखने जा रहे हैं। एक जो गोचर है जो 4 तारीख को ही हो जाएगा, लेकिन उसको 5 तारीख ही गिनिए क्योंकि ये मंगल है जो तुला राशि से अपनी खुद की राशि में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का वृश्चिक राशि में आना अधिकांश माना जाता है कि वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक आठवीं राशि है, यानी काल पुरुष में वो आठवां घर दर्शाती है। आठवां घर जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, सडन इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कम से कम मुंडेन लेवल पे तो ये हो रहा है। हमें ये भी देखना है कि हमारे खुद के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आप देखेंगे उसी दिन 5 दिसंबर को, अगर आप देखो चलिए 4 दिसंबर को हम सूर्य ग्रहण से बाहर निकले हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी 120 दिन तक मैंने बताया था रहता है। 8 दिसंबर को आप देखेंगे कि शुक्र धनु राशि को छोड़ करके वो मकर राशि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे दिसंबर की 10 तारीख को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिसंबर की 16 तारीख को सूर्य की संक्रांति है, यानी कि वो तुला राशि से सॉरी वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद की जो तारीख है वो है 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश तो कर चुके हैं लेकिन वहां पर जाकर के वक्री हो जाते हैं। 29 दिसंबर को बुध अब मकर राशि में जा रहे हैं। वहीं पर मकर राशि में शुक्र पीछे की तरफ आ रहे हैं और वो 30 तारीख को अगले ही दिन मकर राशि से धनु राशि में चले जाएंगे और बुध धनु राशि से मकर राशि की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। इस सब चीजों को, इस सारे गोचर को देखते हुए हमें ये देखना है कि ये दिसंबर का महीना हम सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि देखिए, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जब भी हम कभी इस तरह की राशियों के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो करोड़ों ऐसे लोग होंगे तो क्या सबका जीवन एक सा होगा? नहीं, क्योंकि आपका खुद का एक अपने कुंडली है, आपकी दशाएं हैं, महादशाएं हैं, आपके इस गोचर से हमें और भी देखना होगा कि आपका जो नेटल चार्ट है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उसमें प्लैनेट की पोजीशन क्या है। तो सभी पे इसका प्रभाव एक समान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम आपको बता सकते हैं कि ये राशि पे क्या क्या प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है या बन रही है। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न के हिसाब से, आप चाहो तो मून राशि के हिसाब से भी देख सकते हो। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष। मेष राशि वाले, पहले तो हमें समझना है कि इस वक्त जो ग्रहों की पोजीशंस बनी है वो क्या है। मेष राशि वालों के लिए शनि देव 10वें घर में, गुरुदेव
ग्यारहवें घर में, राहु आपके दूसरे भाव में, सूर्य अष्टम में है लेकिन 15 दिन के बाद दिसंबर की 15 तारीख तक वो आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। मंगल जबकि अष्टम स्थान में ही रहेंगे। इस को देखते हुए मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, प्रोफेशनली आपके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। जिस जॉब में आप हो उसी जॉब में आप बने रहो, ज़्यादा चांसेस लेने की कोशिश ना करो तो अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत में हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जलन या इनसिक्योरिटी और जिसके वजह से आपके रिलेशन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा ख्याल रखिए उस बात का। अपने पार्टनर पर, अपने प्यार पर भरोसा कीजिए। जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है फिर, और अगर भरोसा करोगे तो ये बहुत आराम से पीरियड आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो, शादीशुदा जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाई तो ये समय आपके लिए अच्छा भी मैं कह सकता हूँ। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के स्थिति अच्छी होती जा रही है दिसंबर के महीने में, लेकिन आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना होगा। और हेल्थ, सेहत की अगर बात करूं मैं तो उसमें मैं दो तरह की चीज़ें देख पा रहा हूं। दिसंबर का जो 16 तारीख के बाद का जो पीरियड रहेगा, सेकेंड हाफ जिसे हम कहते हैं, वहां पर आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम स्थान में, गुरुदेव दसवें घर में, राहु आपके पहले घर में लग्न में, सूर्य सातवें घर में जो आगे जाकर के आठवें घर में प्रवेश कर जाएंगे, और मंगल सातवें घर में है। तो वृषभ राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी स्थितियाँ आ सकती है जिसकी वजह से आपका टेंशन बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। आपको आपकी वाणी पर, आपकी भाषा पर और जिद पर कंट्रोल करना होगा। लव लाइफ आपकी जो है, रोमांस जो आपका है लाइफ में, अगर वो बहुत दिनों से है तो मुझे लगता है समय आ चुका है कि आप उस रिलेशन को एक नाम दिया जाए, आप शादी कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हो यानी कि आप शादीशुदा हो तो दो सिचुएशन वहाँ पर भी आ रही है। कुछ लोगों को बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, और कुछ लोग ऐसे भी है जो आर्ग्यूमेंट भी कर बैठेंगे। ये भी आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को किस तरह से संभालते हो। फाइनेंशियल कंडीशन मैं बता चुका हूँ फेवरेबल है इस महीने में, लेकिन आपको अपने खर्चे को पे ध्यान देना होगा। सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ त्वचा को लेकर, स्किन को लेकर के कुछ इशू आ सकते हैं, कुछ हॉर्मोन्स को लेकर के भी इशू आने की चांसेस हैं, उसका जरा ध्यान रखिएगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अभी अष्टम है और इसे हम दहिया भी कहते हैं। गुरु आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, राहु बारहवें घर में है, छठे घर में सूर्यदेव, और आगे जाकर के 16 दिसंबर के बाद में ये आपके सातवें घर में आ जाएंगे। मंगल छठे घर में ही रहेंगे, वहीं भ्रमण करेंगे। ये बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन होंगे तो ये पीरियड बहुत अच्छा दिख रहा है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिलने के चांस बने हुए हैं। प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आप बहुत जिद्दी हो जाओगे, आप बहुत वो जो अकड़ है उसके वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आसपास दोस्तों को देखिए कि क्या आपकी संगत, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, क्या वो सही लोग हैं या वो आपको आपकी पढ़ाई से अलग ले जा रहे हैं। दिसंबर के पहले 10-12 दिन जो हैं वो ज़रा सेहत को लेकर के बहुत संभालने की आवश्यकता है आपको, बाद में चीज़ें समझ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम स्थान में है, गुरु अष्टम पर हैं, आपके राहु जो है वो आपके ग्यारहवें घर में है, सूर्य
दिसंबर की 15 तारीख तक आपके पांचवें घर में रहेंगे और फिर वो प्रस्थान कर जाएंगे छठे घर की तरफ और मंगल पांचवें घर में ही रहेंगे। इस महीने में मैं प्रोफेशनली तो आपका टाइम बहुत अच्छा देख रहा हूं। मैं महीने की शुरुआत में शुरुआत से ही आप में एक ऐसी ऊर्जा होगी, आपके जितने भी प्लान्स हैं और जितनी भी आपने कुछ चीज़ें सोच के रखी है वो सारा का सारा आप बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बिजनेस में है तो भी आपको आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है, आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हो। सेकेंड वीक दिसंबर की सेकेंड वीक से आप देखोगे कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी सी बेहतरीन होती जा रही है और भी अच्छी होती जा रही है। फैमिली लाइफ आपकी एवरेज रहेगी, ना अच्छा ना कुछ खास बुरा हो रहा है इसमें, बट हाँ ये बात जरूर है कि अगर कुछ दिनों पहले फैमिली में कुछ इशू बने हुए थे, कुछ डिस्प्यूट थे, तो वो फिर से ऊपर आ सकते हैं जो थोड़ा बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है जिसकी बीमारी की वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप विद्यार्थी हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप सक्सेस चाहते हो तो। मैं अगर आप रोमांस में हो, किसी से प्यार करते हो, तो आपको कुछ परेशानियां शुरुआत में दिसंबर के शुरुआत में आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें संभल जाएंगी। तो मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ परेशानी आती भी है तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें आगे जाकर के सेटल हो जाएगी, तो उसे खराब ना करो। अगर शादीशुदा हो तो भी जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, सेहत का भी ज़रा ध्यान रखिएगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। आपके शनि देव आपके छठे घर में है, गुरु सातवें घर में, राहु दसवें भाव में है, सूर्य 15 तारीख तक दिसंबर की आपके चौथे भाव में रहेंगे, उस उपरांत वो पांचवें घर में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल आपके चौथे घर में ही रहेंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए मैं ये देख पा रहा हूं कि फेवरेबल, हर तरह से फेवरेबल टाइम तो है आपके लिए, कोई इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। फैमिली के साथ में भी जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़ा इम्प्रूव होंगे, अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ में स्मूथनेस रहेगी, लव लाइफ में परेशानी नहीं होगी तब तक जब तक आप अपना अहंकार, अहम, मैं ये अगर आप छोड़ते नहीं हो तो वहाँ पे टेम्परामेंटल इशू हो सकता है, आपकी गुस्से की वजह से ये परेशानियाँ बढ़ सकती है। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बेटर होती जा रही है डे बाय डे, और ये बहुत अच्छा समय है अगर आप किसी चीज़ में निवेश करना चाहते हो तो। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्थ को लेके इश्यू आ सकती है, खास करके आपके पेट में परेशानी हो सकती है या आपको अपने वजन को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा वजन बढ़ना चाहिए आपका। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शनिदेव पंचम स्थान में है, छठे घर में गुरु हैं, राहु आपके नवम स्थान में है, सूर्य तीसरे घर में है, 15 तारीख के बाद वो चौथे घर में चले जाएंगे, मंगल तीसरे भाव में ही रहेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल हो, कहीं पे काम करते हो, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अपने सीनियर्स से, आपके सबॉर्डिनेट से, यानी आपके जो सीनियर है उनसे भी मदद मिल रही है, आपके जो नीचे है काम करते हैं उनसे भी आपको मदद प्राप्त हो रही है। आप लोग अगर नौकरी पेशा लोग भी अब कुछ समय निकाल करके अपने फैमिली के साथ में वक्त बिता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाने की ओढ़ में हमको ऐसा नहीं भूल नहीं जाना चाहिए कि एक परिवार भी है जिसका हमें ख्याल रखना है। अगर आप एक विद्यार्थी हो और आप अगर ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हो जिसमें डिजाइनिंग, आर्टिस्टिक कोई चीज़ हो रही है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हो पढ़ाई को लेकर के, तब भी आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली में चीज़ें अच्छी होती जा रही है, मधुरता आ रही है, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, आपको आपकी माँ के सेहत पे थोड़ा सा ख्याल देना होगा।
अगर आप सिंगल हैं यानी कि शादी नहीं हुई है तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में हो सोच रहे हो तो अब मुझे लगता है सोचो मत, शादी कर लो। एक कार्ड मुझे भिजवा देना, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और मैं देख पा रहा हूं कि अगर आप शादीशुदा हो तो शायद आपकी आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपको टेंशन हो सकता है। बाकी फाइनेंशियल कंडीशन क्योंकि एवरेज है, कोई ऐसी बात नहीं है, हेल्थ को लेकर के भी ठीक है, एक अपना ख्याल रखिएगा। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि देव, ये आपके लिए भी ढैया चल रहा है, चौथे भाव में शनि देव है, पांचवें घर में गुरु विराजमान है और अष्टम स्थान में राहु है। यहां पर सूर्य 15 तारीख तक दिसंबर की दूसरे भाव में रहेंगे, उसके उपरांत वो तीसरे भाव में चले जाएंगे, मंगल आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि ये जो महीना रहेगा दिसंबर का, ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रिलेशनशिप में, फैमिली भी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ सकती है या आ चुकी है, तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में फायदा हो सकता है, ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है आपको। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी अच्छी होती जा रही है। ये अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, ट्रैवल करना पड़ेगा आपको थोड़ा। लव लाइफ को लेकर के दो चीजें बताना चाहता हूं मैं। पहली चीज तो ये है कि लव लाइफ अच्छी तब तक चलेगी जब तक आप लोग उसको उस जगह पे लेके नहीं जा रहे हो जहां पे आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या तो फिर मिस कम्युनिकेशन ना हो, उससे आपको बचना होगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आप इस अपने शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से निभाओगे, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकती है आपको। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव तीसरे, गुरु चौथे और राहु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य आपके पहले लग्न में रहेंगे 15 तारीख तक, उसके बाद में वो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन मंगल लग्न में ही रहेंगे आपके। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक पहुंच रही है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इसके चांसेस भी अच्छे बने हुए हैं। बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो बेचो, खास करके अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वज कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ रही है, उसकी संभावनाएं बन रही है। माँ के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे एंड और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, मंगल अपना असर तो दिखाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा आपको दिमाग में गर्मी, एग्रेसिव और गुस्सेल बनाएगा, तो वो गुस्सा जो है वो कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप अभी तक सिंगल हैं और आप कोई शादी का प्रपोजल वगैरह आपके ना आ सकता है, और अगर ऑलरेडी आपके जीवन में कोई है, लड़का लड़की जो भी, मतलब मैं जो भी है, थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, वो भी सिर्फ आपके गुस्से की वजह से है, उसे कंट्रोल कर लीजिएगा। हेल्थ को लेकर के अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि देव दूसरे घर में, गुरु तीसरे घर में और राहु जो है वो आपके छठे घर में विराजमान है। सूर्य बारहवें घर में है 15 दिसंबर तक, उसके बाद में आपके लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। मंगल बारहवें स्थान में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दूँ, प्रोफेशनल आपका ग्रोथ अच्छा नज़र आता है। फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो या काम के लिए जा रहे हो, समय अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपको मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि अपने गुस्से पे ज़रा कंट्रोल रखिए,
नहीं तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा और वो आपके पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जीवन साथी के साथ में थोड़े बहुत क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अब तो शादी नहीं की है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर मन में कोई बात है तो वो ओपनली बोल दी जाए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, इसका जरा को ध्यान रखना होगा। मैं देख पा रहा हूं कि ये एक बहुत फेवरेबल पीरियड है अगर आप एक बिजनेसमैन है, तो एक अच्छा समय है आपके लिए। आमदनी तो आ रही है लेकिन साथ में खर्चा भी बचाना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, आपके कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। हेल्थ को लेकर के भी ख्याल रखिएगा अपना, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है लेकिन ख्याल रखिएगा अपनी हेल्थ का। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए लग्न में ही शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में है, वहीं पर पंचम स्थान में आपके राहु है, सूर्य आपके 11वें घर में है, इनकम हाउस में है, लेकिन 15 तारीख के बाद वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे, मंगल 11वें घर में ही रहेंगे। तो मकर राशि वाले जो आप 37.5 से गुजर रहे हैं आप लोग, ये अभी आपके लिए एक अच्छा फेवरेबल पीरियड आ चुका है। अगर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें कला और म्यूजिक डांस वगैरह कुछ है, तो इसमें आप अपने हुनर को आप दूसरों तक, वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, बिजनेस में आपको गेन हो रहा है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पार्टनर के साथ में बिजनेस करना है, ये समय कम से कम इतना फेवरेबल नहीं नज़र आता मुझे। फाइनेंशियली भी महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ में आपका समय अच्छा बीतेगा, मधुरता रहेगी, माँ बाप के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे आपके, और बहुत चांसेस है कि आप कोई नए रिलेशन में भी आप शायद प्रवेश कर जाओ और वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। चांसेस ये भी है कि आपको कुछ चैलेंजेस और कुछ डिफरेंसेस आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है, और या तो जीवन साथी के साथ हो सकता है या तो फिर अगर आप बहुत समय से किसी रिलेशन में हो, 2-3-4-5 साल से, तो वहां पर भी थोड़ी अड़चनें आ सकती है, उसका जरा ध्यान रखिएगा प्लीज। ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप विद्यार्थी हो तो आप पढ़ाई के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ये महीने में, क्योंकि हेल्थ को लेकर इशू आ सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें घर में आपके शनिदेव है, लग्न में गुरु आ चुके हैं, वहीं पर 4थे घर में आपके राहु है, सूर्य पहले 15 दिनों तक दिसंबर के 10वें घर में रहेंगे, दिग्बली रहेंगे, उसके बाद में वो 11वें घर में जाएंगे, वहां पर भी पोजीशन बहुत अच्छी है, मंगल लेकिन 10वें भाव में ही रहेंगे। इसको देखते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम है और प्रोफेशनल ग्रोथ है, बिजनेस में भी काफी प्रॉफिट हो रहा है आपको। खाली बस अपनी जो उत्तेजना, गुस्सा, इस पे जरा आप कंट्रोल रखिएगा। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं आपके रिलेशन को, आपके फैमिली मेंबर के साथ में और अपने भाई बहनों के साथ में भी। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप कहीं पे कुछ पैसा निवेश करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर दीजिएगा, लेकिन एडवाइस लेकर के ही कीजिए हमेशा। ये एक अच्छा समय है अगर आप सिंगल हो, अब तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो या तो शादी हो जाएगी, और अगर बिल्कुल एकदम ही अकेले हो, मतलब कोई जीवन में नहीं है तो कोई आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत दिनों से किसी से वादा कर चुके हो तो आप उसके साथ में अच्छा समय बिताओगे, और हो सकता है कि उससे शादी भी कर लो। मैं अपना एड्रेस दे दूंगा आपको, आप मुझे शादी का कार्ड भेज दीजिएगा, थैंक यू। आगे अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप अगर किसी ऐसी परीक्षा को दे रहे हो जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हो, या तो फिर आप विदेश जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि हो सके तो जीवन में
टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, छोटी मोटी चीज़ों को का टेंशन मत पालो। लेकिन अगर कुछ हेल्थ इश्यू आते हैं तो डॉक्टर को अवॉइड भी मत कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइए। सबसे आखिरी राशि जो है जिसे हम कहते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके 11वें घर में शनिदेव हैं, आपके 12वें घर में गुरु हैं और वहीं पे आपके तीसरे भाव में राहु बैठे हैं। सूर्य पहले 15 दिन नवम स्थान में, उसके बाद में दिग्बली होकर के 10वें भाव में चले जाएंगे, मंगल 9वें घर में रहेंगे। इसको देखते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में आप प्रोफेशनल फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए नए रोल, नए नए चांसेस आपको मिल रहे हैं आगे प्रगति करने के लिए। आप अगर बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे तो नौकरी मिल रही है आपको, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है आपके लिए। ये एक समय ऐसा भी है जहाँ पे आप अपने अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने भाई बहनों के साथ में संबंध को अच्छा बना सकते हो। अपनी माँ के सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ सकता है, यहाँ पे ये एक दिक्कत हो सकती है। दिसंबर के महीने में लव रिलेशन के लिए समय काफ़ी अच्छा है, अगर आप सिंगल हो तो और या शादीशुदा हो, दोनों स्थिति में अच्छा टाइम आप बिताओगे अपने प्यार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो, आपने किसी को वादा कर रखा है, तो ये जो वक्त है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, इस वक्त को गुजर जाने दीजिए, चीज़ों को खराब मत कीजिएगा वरना आप ही को पछतावा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो तीनों काम आपको मैंने अभी बताए वो तीनों काम फ्री है, आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।